Anil Eileen Vlogs. I hope you all are doing good. Even I am doing good. तो काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं, तो आज मैं जा रही हूँ सैंथम चर्च और उसके जस्ट बगल में ही मरीना बीच है, तो डेफिनेटली आई विल गो देयर. आई थिंक आई विल हैव अ ग्रेट डे. तो अभी जाते हैं रेडी होने और निकलते हैं थोड़ी देर में. स्टे ट्यून. तो मैं अभी निकल चुकी हूँ और आई एम गोइंग टू पल्लव अतांगल रेलवे स्टेशन. फ्रॉम देयर आई विल बी टेकिंग अ लोकल ट्रेन टू गिंडी एंड फ्रॉम देयर आई विल टेक ऑटो. सो बने रहिए मेरे व्लॉग में, मिलते हैं जल्द. इस वक्त सैंथम चर्च में हूँ और आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर है. रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस. सेंट थॉमस के नाम से रखा गया है, जो कि ये 12 डिसाइपल्स में से एक थे, जो कि एडी 52 में यहाँ इंडिया आए थे प्रीच करने और एडी 57 में एक पहाड़ी इलाके में उन्हें मार दिया गया था. तो जिस जगह उन्हें मारा गया था उस जगह को सेंट थॉमस माउंट के नाम से जानते हैं और यहाँ उन्हें बरी किया गया था उनके बाकी डिसाइपल्स के द्वारा. तो कह सकते हैं कि दिस चर्च इज़ डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ सेंट थॉमस और इसे यहाँ सैंथम कैथेड्रल बेसिलिका के नाम से जाना जाता है. बाहर से तो यह चर्च काफी सुंदर है, तो सोचिए अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत होगा. आइए अंदर चलते हैं. चर्च तो वाकई में बहुत सुंदर थी. तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है. आप देख सकते हैं कि एरिया काफ़ी बड़ा है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी स्पेशियस भी है. चलते हैं उस तरफ सीधे, देखते हैं वहाँ क्या है. ये है यहाँ का म्यूज़ियम और इसे द टूम्ब हाउस ऑफ सेंट थॉमस कहते हैं. यहाँ इनकी ग्रेव है, तो शायद यहाँ अंदर वीडियोस और फोटोज़ लेना अलाउड ना हो, तो एटलीस्ट मैं आपको यहाँ का एंट्रेंस दिखा देती हूँ. ये एक शॉप है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे रोज़री, बाइबल्स, स्टैचूज. और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मरीना बीच, जो कि बहुत सामने है यहाँ से. सो वील गो बाय वॉकिंग. चलो लेट्स मीट इन मरीना.
पहुंच गए हैं मरीना, और ये मरीना की लोकल मार्केट है जो कि बहुत बड़ी है, और शाम में ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बीच काफी जोर की हवा चल रही है और इस जगह काफी भीड़ है, आप देख सकते हैं। काफी दूर दूर से इसे लोग देखने के लिए आते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। चलते हैं कुछ खाने, बहुत जोरों की भूख लगी। डन विद आर डे एंड नाउ हेडिंग टूवर्ड्स होम। सो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, एंड जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड।